दोस्तों इस बार ध्रुव राठी एंड अदर्स नहीं है, इस बार ध्रुव राठी एंड बीजेपी मिनिस्टर डायरेक्ट कंट्रोवर्सीज है। किरण रिजिजू ने ध्रुव राठी का एक वीडियो पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, जहां पे जिस वीडियो में ध्रुव राठी कांग्रेस के बारे में बोलते हुए नजर आते हैं, उसी वीडियो को शेयर करते हुए ध्रुव राठी ने बताया कि किरण रिजिजू जो इस वीडियो को शेयर किया है, जहां पे मैं ये बता रहा हूं कि कांग्रेस अच्छी नहीं थी, कांग्रेस करप्शन के मामले में आगे है, बट सेम चीज मैं अभी बीजेपी के बारे में बता रहा हूं, तो वो गलत कैसे, क्या कुछ कहा पहले वो देख लीजिए आप। कुछ दिन पहले दोस्तों बीजेपी नेता किरण रिजिजू ने मेरे एक पुराने वीडियो का क्लिप शेयर किया था, जिसमें मैं यूपीए 2 सरकार के समय जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उनकी बात कर रहा था। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। ये वीडियो एक बड़ा अच्छा जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलता। उस समय जो मैंने इस वीडियो में बोला था वो उस समय के लिए बिल्कुल सही था, लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूँ किरण जी, जरा उसे भी सुनने की हिम्मत रखिए। 2015 में आपने क्या कहा था किरण जी, आपको याद है ना? मैं बीफ खाता हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, कोई मुझे रोक सकता है? For example, I eat beef. I'm from Arunachal Pradesh. Can somebody stop me? लेकिन बाद में आपने कहा था कि आपकी स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर दिया गया था कि आप बीफ नहीं खाते। दिसंबर 2015 में आपने कहा कि आपने किसी को बीफ खाने के ऊपर कभी चैलेंज नहीं किया है, खाना एक पर्सनल चॉइस है। लेकिन किरण जी अगर ऐसा है तो बीजेपी गाय और भैंस के नाम पर वोट क्यों मांगती है? क्या आप नरेंद्र मोदी से पूछ सकते हैं कि वो बीफ कंपनियों से चंदा क्यों लेते हैं? इस कंपनी पर 2,000 करोड़ के टैक्स चोरी के इंजाम भी लगे थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस वीडियो का रिप्लाई करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आप बहुत ब्राइट यंग मैन है, अपने एनर्जी का यूज नेशन के ग्रोथ करने में कीजिए, किसी को नीचा दिखा के अपने आप को पॉपुलर बनाने का जरूरत नहीं है। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है कि अगर आप या कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, लेकिन पॉजिटिव वाइब फैलाइए टू क्रिएट बेटर इमेज ऑफ इंडिया। इस पर ध्रुव राठी ने रिप्लाई किया कि किरण जी आपके नाम का मतलब होता है कि आप प्रकाश के किरण है, आप डार्कनेस मत फैलाइए। प्लेइंग विद लाइफ ऑफ योर कंट्री मैन बाय पासिंग सुप्रियस मेडिसिन इन रिटर्न ऑफ इलेक्ट्रल बर्न डोनेशन इज दैट कंट्रीज ग्रोथ, हैव यू नो सेम एट ऑल, मेक एन एफर्ट टू बी ऑनेस्ट, यू कैन actually do something for the country as a politician, same goes for your boss. यानी कि basically वो यहाँ पे बॉस में नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। हालांकि इसका जवाब तो किरण रिजिजू ने कुछ भी नहीं दिया, इसके बाद कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सीज के बारे में, आपके हिसाब से कौन सही है कौन गलत है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। एंड जब बात कर ही रहे ध्रुव राठी के बारे में, तो मैं आपको अभी एंड न्यू एंड ध्रुव राठी के कंट्रोवर्सीज के बारे में तो मालूम ही होगा, बट इस बार कंट्रोवर्सी ध्रुव राठी के बारे में नहीं, यहाँ पे करण सिंह मैजिक बोल गया है। उन्होंने अभी एंड न्यू को रिप्लाई करते हुए ये कहा कि चरण वंदना इज मेटाफोर, ये तक नहीं समझ आया इसको, और इसने 13 मिनट की वीडियो बना दी और लोग इसको क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मानते हैं अनफॉर्चुनेटली।